पहली बार लहंगा और मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, मम्मी कब कितने प्यारे लग रहे हो, रुको तो सही कुछ जवाब तो दो, वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। क्या कह रहा है ये, अपने रूम चलो अपने अपने घरों में, समझ हमारे घर में क्या रूम चलेगा हम डिसाइड करेंगे। चल चल फोटो क्लिक कर दो यार, फिर मेरी बारी है, कर दो भाई इसकी क्लिक कर दो, फिर मेरी बारी है। स्माइल भैया, मैं तो सड़क के कोने में आ गया हूँ, चलो मैम चारों की फोटो लो। अरे यहीं ऐसे याद रखना, मेहंदी में ओए।
होगा हमारा शाम का फंक्शन, यानी कि हमारा संगीत का फंक्शन। और ये यशी की टीम, यशी एंड सूरज की टीम यहाँ पे कर रही है प्रैक्टिस बैकग्राउंड डांसर्स के साथ। ये हमारा स्टेज जहाँ पे हम करेंगे डांस, और आई गेस वहाँ पर लड़का लड़की बैठेंगे, दूल्हा दुल्हन। अच्छा ये बैठा तो है, ये नहीं बैठा, तो ये है वो पूरी जगह। ये देखिए यहाँ पे दो असिस्टेंट के साथ फोटो क्लिक कराने के लिए बहस हो रही है कहाँ पे क्लिक कराया जाए। चलो चलो जाओ, हम करवाते हैं, मम्मी को बुला लो। नहीं तो पहले मैं अपनी भाइयों बहनों के साथ करा दी। सरकार क्या, मेहंदी का फंक्शन हो गया है डन, हमने थोड़ा फोटोशूट वगैरह भी करवा लिया है, अब हम जा रहे हैं। अब मैं सीधा तैयार होने जा रही हूँ अपने संगीत के लिए। तो मैंने सबसे पहले सोचा है कि जो मैंने मेकअप कर रखा है उसे मैं रिमूव करवा दूँ। मैंने पहले वाली मेकअप आर्टिस्ट से बोला था कि मेरे नीचे काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे आगे बहुत छोटे जाते, बट कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, ये वाला मेकअप मैं चेंज कराऊंगी, और कुछ मैं सोच रही हूँ हेयर को टाई करवाऊँ, कुछ डिफरेंट लुक लूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं संगीत वाले ब्लॉग में, स्टे ट्यून। और प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, यू आर जस्ट लव। मैं बस ये डाल देती हूँ लखनीत लखनीत।